Vayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफला बी एच यू दिस इज माई नाइनटीन लेक्चर एंड द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू प्रजेंट बिफोर यू दैट इज़ राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना और उसका प्रभाव भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसका राज्य की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भारतीय संविधान के आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंतर्गत दिया गया है जैसा कि मैं इसके पहले भी अपने पहले के प्रारंभिक व्याख्यान में मैंने बताने का प्रयास किया है कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए स्लाइड बताने का और कोर्स मटेरियल कंटेंट तैयार करने का प्रयास किया है चूंकि प्रतियोगी क्षेत्र में हिंदी माध्यम के लिए विद्यार्थियों को कितनी दुशवारियों का सामना करना पड़ता है ये मुझे भली अवगत है इसलिए मैंने इस भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी मेरे व्याख्यान हैं मैं भारतीय संविधान से संबंधित सभी प्रावधानों को प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह बनाने का प्रयास किया है और जैसा कि आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो आर्टिकल तीन सौ छप्पन है जिसको लोकप्रिय भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन का लागू किया जाना यह कभी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान कौन सा है चार विकल्प होंगे उसमें से एक प्रावधान एक जो आपका सही आंसर होगा वह आर्टिकल तीन सौ छप्पन थ्री फिफ्टी सिक्स यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद पद क्यों है विवादास्पद प्रावधान क्यों है दो इस पर आपको सभी छात्रों को दो बातों को ध्यान में रखना है एक तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मोस्ट डिस्प्यूटेड पोस्ट है सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक पद वह राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के है राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के और दूसरा सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान वह राष्ट्र शासन का लागू किया जाना आर्टिकल 356 यह संविधान सभा में ही जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं के समक्ष यह संविधान सभा में कई ऐसे प्रश्न आए कि राज्यपाल की नियुक्ति क्या होना चाहिए उसका निर्वाचन होना चाहिए क्योंकि नियुक्ति में केंद्र की बहुलता होगी प्रधानता होगी वैसे ही जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया होगी क्या प्रोसीजर होगा इसको भी लेकर के बहुत ही विचार मंथन हुआ है और आप यदि देखेंगे तो भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर आज तक वर्ष उन्नीस से लेकर के टू तक आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान जो रहा है वह आर्टिकल तीन सौ छप्पन राष्ट्रपति शासन का लागू किया जाना रहा है जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या केंद्र और राज्य के राजनीतिक वैचारिक मतभेद है तो ऐसी स्थिति में प्राय आपने देखा होगा कि केंद्र के द्वारा राज्य की सरकार को बर्खास्त कर वहाँ पर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लागू किया गया है और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा अब उस पर कुछ बहुत सारी बंदिशें लगी हैं लेकिन आपने देखा होगा अभी इसको और भी देखेंगे डिटेल में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर 1950 से लेकर के और वर्ष 2023 तक यदि हम विश्लेषण करें कि संविधान के किस प्रावधान का सर्वाधिक प्रयोग किया गया तो आर्टिकल तीन सौ छप्पन आप देखेंगे थ्री फिफ्टी सिक्स जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है वैसे राष्ट्रपति शासन शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है परंतु इसको हम लोकप्रियता की इतना यह वर्ड प्रचलित है कि अब हम ये किसी से भी कहें कि राष्ट्रपति शासन लागू है अमुक राज्य में तो यह मालूम हो जाता है कि उस राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी गई होगी भंग कर दी गई होगी और केंद्र का शासन वहाँ पर लागू होगा तो दो बातें याद रखनी है कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान वह आर्टिकल 356 से 356 है है प्रावधान सर्वाधिक भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान आर्टिकल 356 सौ छप्पन राष्ट्र शासन का लागू किया जाना और भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक विवादास्पद पद जो डिस्प्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वह राज्यपाल का है आप राज्यपाल की नियुक्ति को देखें लेकर के हमेशा और विशेषकर उस, उस समय जब राज्य और केंद्र में दोनों में राजनीतिक वैचारिक विभिन्नता हो अर्थात केंद्र में किसी दूसरे दल की किसी दूसरे दल की सरकार हो और राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार हो तो ऐसी स्थिति में राज्य हमेशा आक्षेप करते हैं कि केंद्र जो है अपने राज्यपाल के माध्यम से उस स्टेट को उस राज्य की सरकार को निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है तो संविधान में सर्वाधिक विवादास्पद पद राज्यपाल और प्रावधान आर्टिकल 356 इसको लेकर के अब देखने का प्रयास करेंगे स्लाइड पर आप देखें मैंने ये जो इसकी टाइटल लिखा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होना और उसका प्रभाव यह संविधान सभा भी मैंने उस पर ऊपर लिखा हुआ है सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान थ्री लिखा हुआ है आप ये देखें जैसे ही संविधान लागू हुआ पंजाब राज्य में सर्वप्रथम नाइनटीन में यह लागू किया गया आज जैसे संविधान लागू हुआ राष्ट्रपति शासन इसको हम लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं जब राष्ट्रपति को दो आधार दिए गए हैं जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर रिपोर्ट पर या अन्यथा समाधान हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रही है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो उस राज्य की सरकार को भंग कर वहाँ पर उस सरकार को राज्य की सरकार को केंद्रीय सत्ता के अधीन राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को समस्त सकतियाँ या कुछ शक्तियाँ स्वयं या संसद के द्वारा बनाई गई विधि कानून के अंतर्गत प्रयुक्त कर सकता है लागू कर सकता है तो ये बातें दो बातें क्लियर हो गई आर्टिकल 356 के अंतर्गत कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा समाधान हो जाने पर क्या समाधान हो जाने पर कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है तो ऐसी स्थिति में और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राज्य की सरकार को भंग करके और समस्त शक्तियां केंद्र अथवा संसद के अंतर्गत उसके द्वारा बनाई गई विधियों में प्रयुक्त कर सकता है प्रयोग में ला सकता है तो आर्टिकल 356 फिफ्टी कौन लागू कर सकता है क्लियर हो गया राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाएगा किस ग्राउंड पर दो दिया गया है या तो गवर्नर रिपोर्ट कर दे या अन्यथा समाधान हो जाए ये दो प्रावधान ये समझने की बात है छात्रों को दो प्रावधान क्यों रखे गए आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंतर्गत क्यों नहीं राज्यपाल के माध्यम से ही राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है आप जानते होंगे जैसा कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है अर्थात जब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो राज्यपाल के द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है थ्री फिफ्टी सिक्स लागू कर सकता है तो दो ये अथवा करके दूसरा जो ग्राउंड क्यों जोड़ा गया अन्यथा समाधान हो जाने पर अन्यथा समाधान से तात्पर्य यहाँ पर राष्ट्रपति का स्वयं का समाधान नहीं है अन्यथा समाधान से तात्पर्य कि मंत्रिपरिषद के समाधान से है मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद यदि भारत के राष्ट्रपति को लिखित परामर्श देता है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित सिफारिश पर की गई सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य में आर्टिकल थ्री लागू कर सकता है तो मैं ये बता रहा था कि जो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अथवा अथवा अन्यथा समाधान हो जाने पर राष्ट्रपति आर्टिकल थ्री लागू कर सकता है तो क्यों दो आधार दिए गए ये सभी छात्रों को जानने की आवश्यकता है प्रायः साक्षात्कार इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि जब क्यों नहीं राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है क्यों इसमें अन्यथा समाधान मंत्रिपरिषद के परामर्श को लिखने की बाध्यता आवश्यकता पड़ी दो आधार क्यों देने की आवश्यकता ये विकल्प दो क्यों दिए गए आप ये कल्पना करें भारत आजादी के ठीक पश्चात भारत की जो भौगोलिक स्थिति है जम्मू कश्मीर राज्य का पाकिस्तान के करीब होना मणिपुर मेघालय का सिक्किम का अरुणाचल प्रदेश का चाइना के करीब होना यदि किसी राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिल जाते हैं आपस में दुर्भ संधि कर लें और राज्यपाल राज्य में घटित सूचनाओं को मंत्रिपरिषद राज्य में घटित स्थिति को राष्ट्रपति को अवगत नहीं कराता है या राष्ट्रपति को जो सूचना देता हो मिसलीड करता है सही एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है राष्ट्रपति को कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है राज्य का शासन व्यवस्था कैसा चल रहा है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक साथ मिल जाना राष्ट्रपति के लिए बहुत ही मुश्किल होगा उस राज्य की शासन व्यवस्था से अवगत हो पाना तो ऐसी स्थिति में यदि राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट न भी दे राष्ट्रपति को कानून व्यवस्था से संबंधित तो ऐसी स्थिति में राज्य राष्ट्रपति का यदि अन्यथा समाधान हो जाता है मंत्रिपरिषद यदि रिपोर्ट देती है मंत्रिपरिषद को यदि यह सूचना प्राप्त होती है अपने इंटरनल मैकेनिज्म के माध्यम से या किसी राज्य में कानून व्यवस्था विफल हो चुका है राज्य की सरकार केंद्र के दिए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति को सलाह देती है परामर्श देती है कि उस राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाए ये राष्ट्रीय हित में आवश्यक होगा तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो दिया गया ग्राउंड आर्टिकल 356 के अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य की सरकार को बर्खास्त करते हुए और वहाँ पर उस सरकार को केंद्र के अधीन कर सकता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की सरकार का भंग किया जाना आर्टिकल थ्री लागू किया जाना दो आधार हैं एक तो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर अथवा मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित सूचना पर राष्ट्रपति 356 लागू कर सकता है क्यों दो विकल्प दिए गए इसका भी लॉजिक मैंने आपको बताया अब एक शब्दावली जो आर्टिकल 356 में ली गई है इसकी भी इस बहुत क्लियर नहीं है कि किस रा, जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है वे कौन सी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होंगी जब यह माना जाए कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ये कब माना जाए वे कौन से आधार होंगे आर्टिकल 356 में नहीं लिखा हुआ है कि वे कौन से आधार होंगे जब ये माना जाए राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल उस पर रिपोर्ट करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है और राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो किस स्थिति को माना जाए कौन सी परिस्थितियां होंगी आर्टिकल थ्री में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है परंतु भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देखें जब केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश के प्रशासकीय निर्देश दिए जाते हैं केंद्रीय केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है केंद्र राज्य विधायी संबंध है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है तो केंद्र के द्वारा राज्य संबंधित राज्य सरकार को अगर कोई निर्देश दिया जाता है आर्टिकल तीन तीन सौ पचपन थ्री फिफ्टी फाइव में स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कि केंद्र के द्वारा यदि राज्य को निर्देश दिया जाए और उस निर्देश का यदि राज्य सरकार पालन न करे तो यह एक यह भी एक स्थिति बनेगी कि राज्य की सरकार संबंधित राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और वहाँ पर आर्टिकल थ्री लागू कर दिया जाए अब इसको और समझते हैं दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश का राज्य सरकार का अनुपालन न करना राज्य सरकार के द्वारा पालन न किया जाना ये कब संवैधानिक तंत्र का विफल माना जाएगा और कब माना जाएगा कि राज्य की सरकार संबंधित राज्य के अनुसार संबंधित संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है उदाहरण के तौर पर आप ये सोचें कि रेलवे का विस्तार होना है भारत सरकार रेलवे चूंकि संघ सूची का विषय है रेलवे से संबंधित कानून भारत सरकार बनाती है रेलवे का विस्तार करना है किसी राज्य में और आप जानते हैं कि जो लैंड है भूमि है वो राज्य सूची का विषय है लैंड से संबंधित नियम कानून राज्य सरकारें बनाती है भारत सरकार यदि कहती है कि रेलवे का विस्तार किया जाना है संबंधित राज्य में और राज्य की सरकार कहती है कि नहीं मैं जमीन मेरी है मेरे राज्य से होकर के गुजरती है मैं इस जमीन को केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे विस्तार के लिए अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं देता या राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना हाईवे बनाना राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने से आवागमन दो या दो से अधिक राज्यों में न केवल आवागमन शीघ्र होगा बल्कि इससे व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है सुगमता है वह भी सुनिश्चित की जा सकेगी और लोगों को व्यापारी वर्ग को या नागरिकों को कम दाम पे कम समय में अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी होना है लैंड को एक्वायर करना भूमि अधिग्रहण करना है तो राज्य सरकार यदि कहती है कि भूमि अधिग्रहण हम नहीं करने देंगे या रेलवे के विस्तार के लिए रेलवे ट्रैक नहीं बिछाने देंगे या लैंड मेरी है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार का विरोध किया जाना ये माना जाएगा कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 356 लागू करते हुए उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ये समझ गए होंगे कि जो आर्टिकल तीन में शब्दावली यूज की गई है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना और राज्य की सरकार का संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य न करना ये कम माना जाएगा एक दृष्टांत मैंने बताने का प्रयास किया ऐसे ही यदि राज्य की सरकार किसी धर्म की विशेष के विरुद्ध कोई कार्य कर रही है धर्मनिरपक्षता के विरुद्ध कार्य कर रही है तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह किया गया है कि धर्मनिरपक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है यदि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में किसी धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक प्रतिष्ठान को बचाने में असफल रहती है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि उस राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और उस वहाँ पर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लागू किया जा सकता है अभी इसको विस्तार से चर्चा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस वाद में यह निर्णय दिया गया अब देखते हैं स्लाइड के ही माध्यम से देखें मैंने आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर रिपोर्ट राज्यपाल प्रतिवेदन का तात्पर्य यहाँ से रिपोर्ट से है राज्यपाल किन किन आधारों पर अपना प्रतिवेदन देगा वह है कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं सही है तो उस पर वो रिपोर्ट कर सकता है दूसरा इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर अन्यथा समाधान हो जाना अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया आपको ऐसा लगता होगा प्राय ऐसा होता है कि दुरुपयोग किया जाता है दुरुपयोग किया जाने की संभावना है मैंने इसमें तीसरा जो कंपोनेंट लिखा है स्क्रीन पर आप देखें सभी छात्र तो मैंने लिखा है कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो अवधि है मैक्सिमम कितनी होगी दो माह यदि दो माह के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की सरकार को भंग करने का संसदीय अनुमोदन नहीं होता संसद के द्वारा अनुमोदन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की उस राज्य में दो महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात वह राज्य सरकार पुनर्जीवित होगी और राज्य का मुख्यमंत्री होगा कैबिनेट होगी और वह सुचारू रूप से यह उसका एक पक्ष है कब जब दो माह के भीतर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद के द्वारा नहीं किया जाता यह क्यों ऐसा रखा गया कि संसदीय अनुमोदन आवश्यक है यह इसलिए रखा गया कि चूंकि संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है पूरे देश के जनप्रतिनिधियों का सामूहिक प्र, प्रतिनिधित्व संसद के माध्यम से होता है यदि विधायिका राज कार्यपालिका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के रिपोर्ट पर यदि कोई दुरुपयोग होने की संभावना है तो ये दो महीने तक दो माह तक हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन दो महीने तक जो लागू किया गया है राष्ट्रपति के आदेश से किसी राज्य की सरकार को भंग कर दिया गया है अगर वह प्रतीत होता सदन अगर डिसाइड करती है संसद ये डिसाइड करती है कि इस वास्तव में राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो संसद के सभी सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा उदाहरण के तौर पर इसको समझें संसद में दो सदन लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं पांच सौ बावन फाइव फिफ्टी टू ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में प्राय कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी तो पांच है फाइव आउट ऑफ फाइव फिफ्टी निर्वाचित होंगे बीस जो है केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश से होंगे पाँच सौ पचास हो गए दो जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो यह कुल संख्या लेकर के फाइव ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस टू इज इक्वल टू फाइव फिफ्टी टू मैक्सिमम लोकसभा में सदस्यों की संख्या पाँच हो सकती है प्रायः अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जैसे पाँच यदि फोर फाइव सदस्य हैं पाँच यदि लोकसभा में सदस्य हैं तो लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित हुआ कोई प्रस्ताव तब कहा जाएगा जब लोकसभा के पाँच सदस्यों में आधे से एक अधिक अगर किसी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दें तो वह प्रस्ताव लोकसभा से पारित हुआ समझा जाएगा उदाहरण के तौर उदाहरण के तौर पर यदि लोकसभा में राष्ट्रपति शासन को प्रस्ताव को पारित किया जाना है तो वह राष्ट्रपति के तीन के प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्यों के फिफ्टी परसेंट प्लस वन जिसे हम साधारण बहुमत की संज्ञा देते हैं यदि साधारण बहुमत से लोकसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा वह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया जाता है तो लोकसभा से वह प्रस्ताव पारित हुआ समझा जाता है अब यह हो गया लोकसभा से पारित हो गया अब वह फिर प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा क्योंकि संसद में राज्यसभा भी उसका एक इसेल कंपोनेंट है राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वह राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है 250। आउट ऑफ आप 250 आपको मालूम होगा कि 250 जो लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ मनोनीत किए जाते हैं दो जो 238 थर्टी एट हैं वह अब इसमें ये भी साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है 238 जो है वह इनडायरेक्ट निर्वाचन से आते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं बारह सदस्यों की काम मनोनयन ट्वेल्व जो मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बारह सदस्य हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं अपने साइंस विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले बारह सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है तो यहाँ पर मैं जब भी बता रहा हूँ तो सारी सूचना एक सारी इन्फॉर्मेशन इस राज्यसभा से संबंधित भी लोकसभा से संबंधित भी आप जानने का प्रयास करें कि 250 फिफ्टी मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं उसमें 238 का इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन 12 ऐसे सदस्य होंगे कि दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वह राष्ट्रपति के दौरान मनोनीत किए जाते हैं किन आधारों पर कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर वह बारह ऐसे वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है जैसे ए कलाम साहब को नियुक्त किया गया हाँ, ऐसे कस्तूरी रंगन को नियुक्त किया गया ये भी नाम अपना जिस समय परीक्षा देने जाए उस समय मालूम करें कि वर्तमान में कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के कारण राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा तो अब ये टू सदस्य हो गए अब दो में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत कब कहा जाएगा टू का हाफ होगा कितना वन 125 फाइव वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन कर देंगे तो 126 अगर राज्यसभा के सांसद किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दें तो राज्यसभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हुआ समझा जाएगा अब आर्टिकल 356 से संबंधित राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव है वह लोकसभा ने पारित कर दिया साधारण बहुमत से राज्यसभा ने आधे से अधिक बहुमत से पारित कर दिया साधारण बहुमत से पारित कर दिया अब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा जैसे अनुमति देगा वह उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन जो दो माह हो चुका है या दो माह के पहले ही यह प्रस्ताव पारित हो चुका है अब छ माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा अर्थात किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन दो महीने तक तो राष्ट्रपति के द्वारा मात्र उद्घोषणा से जो प्रोक्लेमे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम वह केवल मात्र उसके निर्णय से हो सकता है और दो महीने के पश्चात उस राज्य की सरकार तभी भंग हो सकती है जब दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन कर दिया जाए तो अनुमोदन के पश्चात छः महीने के लिए बढ़ गई अब ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की सरकार में अभी निर्वाचन कराया जाना आवश्यक अभी निर्वाचन नहीं कराया जा सकता है उस राज्य की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है प्रायः आपने देखा होगा पहले जम्मू कश्मीर में प्राय आतंकवादी घटना होती रहती थी राज्य की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा करती थी तो केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन कई वर्षों तक लागू रहे पांच वर्ष कभी तीन वर्ष चार वर्ष ऐसे आपने देखा होगा तो उसका कारण केवल और केवल था जब चुनाव आयोग के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है वर्तमान परिवेश में सुरक्षा कारणों से चुनाव आयोग के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि संबंधित राज्य में चुनाव कराया जाना व्यवहारिक नहीं है और राज्य में एक वर्ष से अधिक ये मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स कितने पीरियड तक ये लागू किया जा सकता है किसी राज्य की किसी राज्य की सरकार को अधिकतम कितने साल तक भंग रखा जा सकता है तो इसमें कहा गया कि चालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा इस पर एक निर्बंधन लगाया गया कि अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता है किसी भी राज्य की सरकार को हम मैक्सिमम तीन वर्ष तक भंग रख सकते हैं तीन वर्ष के भीतर किसी भी तरीके से उस राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है तो अब ये तीन वर्ष कैसे हो सकता है उसके लिए भी प्रोसीजर दिया गया प्रक्रिया दी गई है कि जब किसी भी राज्य में सरकार को बर्खास्त किया जा रहा है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू दो महीने के लिए होगा दो महीने के भीतर पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा संसद संसद के द्वारा अनुमोदन होगा अनुमोदन के पश्चात जो है छः महीने के लिए बढ़ सकती है नेक्स्ट फिर छः महीने के लिए उसी प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है लेकिन जब एक वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो एक वर्ष से आधे राष्ट्र एक वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दो बातें दो शर्तें कंप्लीट कर दी जाए एक तो संबंधित राज्य का राज्यपाल प्रतिवेदन दे कि अभी यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न है निर्वाचन दो चीजें हैं एक तो निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में निर्वाचन कराया जाना अभी व्यवहारिक नहीं है संभव नहीं है और दूसरा दूसरी कंडीशन कि राज्य की, राज की सरकार इसको स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने लिखा है इसमें कि आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स एवं चौलीसवां संविधान संशोधन संसद साधारण बहुमत से छः माह के लिए बढ़ा सकती है एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए संसद ऐसा प्रस्ताव तब तक पारित नहीं करेगी जब तक कि ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में एक तो पहला हो कि ऐसा जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट रूल का दैट मस्ट भी इन एग्जिस्टेंस अस्तित्व में होना चाहिए अस्तित्व में होना चाहिए और चुनाव आयोग प्रमाणित न कर दे कि आम चुनाव कराने में कठिनाई होगी और इसलिए आपात जारी रहना आवश्यक है तो यह मैक्सिमम मैंने लिखा हुआ मैक्सिमम तीन वर्ष और तीन वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है क्योंकि हम किसी भी राज्य की निर्वाचित सरकार को यदि बर्खास्त किए हैं तो तीन वर्ष ऐसा पर्याप्त समय माना जाता है जिसमें कि वहाँ की जो स्थिति है कानून व्यवस्था की स्थिति है वह तीन वर्ष के भीतर सामान्य हो जाएगी और तीन वर्ष के भीतर उसको चुनाव करा लिया जाना चाहिए मैंने बताया कि एक वर्ष के पश्चात आगे बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम तीन वर्ष हो सकता है तो किसी भी राज्य में तीन वर्ष ऐसे पर्याप्त समय हैं जिसमें कि वहाँ की कानून व्यवस्था सामान्य हो जाती है और उसको निर्वाचित सरकार निर्वाचन करा करके वहाँ राज्य की सरकार को निर्वाचित मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित किया जाए अब इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग अगर आप देखें तो भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब कब किया गया इसको इस स्लाइड के माध्यम से देखें आपको ये बहुत ही दैट इज़ वेरी Uh, significant incident which happened in two ईयर्स नाइनटीन सेवेंटी सेवन दो वर्षों में ऐसी घटनाएं घटी भारतीय राजनीति इतिहास भारत के राजनीतिक इतिहास में कि वर्ष सबसे ज़्यादा जो स्थिति उत्पन्न हुई वह 1979 में आप देखें वर्ष उन्नीस में नौ राज्यों में नौ राज्यों में आर्टिकल 356 लागू किया गया तर्क क्या दिया गया कि उन नौ राज्यों में वर्ष उन्नीस में आप सभी को मालूम होगा कि जब निर्वाचन होता है तो 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में पदासीन होती है और मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं और 1977 में नौ ऐसे राज्य थे जहां पर कि विरोधी पक्ष विपक्ष का कोई भी आ, सांसद संसदीय निर्वाचन में निर्वाचित नहीं हो पाया इसलिए केंद्र में पदासीन होने के पश्चात भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्यों में जहां पर कि विपक्ष का कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाया है इसका केवल और केवल एक ही अर्थ है कि वहां की जनता ने उस राजनीतिक दल में अपना विश्वास खो दिया है अतः उन राज्यों में जिन राज्यों में विपक्ष के कोई भी संसद सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया नौ राज्यों में ऐसा अब जब नौ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया आप ये देखें कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ एआईआर 1977 सुप्रीम कोर्ट इस सेवन न्यायाधीश चूंकि संवैधानिक पीठ है पांच न्यायाधीशों से गठित पीठ को हम संवैधानिक पीठ कहते हैं इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल एक के अंतर्गत है इस राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ के बाद में सात न्यायाधीशों के द्वारा यह निर्णय किया गया कि आर्टिकल 356 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति लागू कर सकता है राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी अभी देखें मैंने दो चीज़ें इसमें बताने का प्रयास किया कि जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यपाल यदि प्रतिवेदन नहीं देता है आपको मालूम है नाइनटीन फि में जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार होती है तो राज्यपाल जितने भी नौ राज्यों में थे वह पहले केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे तो उन राज्यपालों ने उन राज्य के राज्यपालों ने रिपोर्ट नहीं दिया उन्होंने बोला कि नहीं राज्य सरकारें हमारी ये जो राज्य सरकारें हैं सही कार्य कर रही हैं संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं तो जब राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राज्यपाल ने रिपोर्ट ही नहीं किया और केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो केंद्र सरकार ने कहा कि मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दिया है कि इन राज्यों में चूंकि जनता ने विश्वास खो दिया है कोई भी संसद सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आया है इसलिए इन राज्य इन राज्यों की सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और बर्खास्त कर दिया गया इस संविधान के आर्टिकल तीन की संवैधानिकता को इस वाद में चुनौती दी गई माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 356, 356 के अंतर्गत राज्यपाल यदि रिपोर्ट न भी करे तो भी केंद्र की सरकार को यह पावर है कि मंत्रिपरिषद अगर सलाह देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 लागू करते हुए राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है अब दूसरा ऐसा अवसर आया केंद्रीय सरकार के पास जब ठीक तीन वर्ष पश्चात उन्नीस में चुनाव होता है और जब 1980 में चुनाव होता है पूरे देश में तो वर्ष उन्नीस में कांग्रेस के दो तिहाई बहुमत से सरकार पदासीन होती है केंद्र में और केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं दो तिहाई बहुमत और सेम आधार जो 1977 में जिन आधारों पर केंद्र की सरकार ने राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू किया था उन्हीं आधारों पर 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को यह मंत्रिपरिषद के द्वारा यह परामर्श दिया गया कि चूंकि वर्ष 1980 के चुनाव में लगभग नौ राज्यों में विपक्ष का कोई भी सांसद सदस्य खाता नहीं खुल पाया निर्वाचित नहीं हो पाया है इसका एक ही अर्थ लगाया जा सकता है कि उस राज्य की जनता ने उस राजनीतिक दल में अपना अपना विश्वास खो दिया है अतः उन राज्यों में जो विपक्ष द्वारा शासित थी राज्य की सरकार को बर्खास्त करते हुए आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू कर दिया जाए और 1980 में भी 1980 में भी उन्हीं आधारों पर जिन आधारों पर 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उन्हीं आधारों पर 1980 में राज्य की सरकारों को भंग कर दिया गया तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आर्टिकल 356 के 356 का प्रयोग किया गया है और ये अब आते हैं इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मैंने बताया आपको कि नौ राज्यों में 1977 और 1980 में दो चीज़ें देखने से लगता है कि 356 का कितना उपयोग या दुरुपयोग हुआ है अब इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया सरकारी आयोग जिसको बोलते हैं न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए वे कौन से प्रयास किए जाएं जिससे केंद्र और राज्य में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके और आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स को लेकर के कि ये लागू करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इस पर सरकारी आयोग दे राज्यपाल की नियुक्ति करते समय क्या संबंधित राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय क्या राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करे सलाह करे इन सभी विषयों को लेकर के भारत सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम सरकारी आयोग है सरकारी आयोग की रिपोर्ट सिफारिशें जो है रिकमेंडेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर के या जो केंद्र राज्य विधायी संबंध है केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध है वित्तीय संबंध है इसको लेकर के सरकारी आयोग की सिफारिशें आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बेहद उपयोगी है लेकिन उस आयोग की जो सिफारिश आर्टिकल 356 के रेफरेंस में कॉन्टेक्स्ट में है केवल मैं उसी को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं आप देखें स्लाइड के माध्यम से कि सरकारी आयोग की सिफारिशें आर्टिकल 356 के रेफरेंस में क्या है मैंने तीन चीज़ों को बताया है कि आर्टिकल 356 का जो प्रयोग हो वह अंतिम विकल्प हो रेरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो रेरेस्ट ऑफ रेयर सरकारी आयोग ने कहा कि ये केंद्र के द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्र प्रशासन लागू किया जाना चाहिए राज्य की सरकार को भंग करना यह अंतिम विकल्प होना चाहिए पहले आप उसको वार्निंग दीजिए स्टेट को निर्देश दीजिए राज्य सरकार को निर्देश दीजिए कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं हाई इस संबंधित राज्य में जंगल राज्य हो गया है कानून व्यवस्था समाप्त हो चुका है अगर ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल तीन सौ छप्पन का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य की सरकार को भंग कर सकता है बर्खास्त कर सकता है टर्मिनेट कर सकता है वहाँ की यह यह एक बिल्कुल अंतिम विकल्प होना चाहिए अगर परिस्थितियाँ उससे सुधर जा रही हैं निर्देश देने पर केंद्र के निर्देश देने पर कि अगर आप इसको नहीं सुधारेंगे कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो इस सरकार संबंधित राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाएगा अगर उस निर्देश के बावजूद भी अवहेलना की जा रहा है राज्य की सरकार के द्वारा तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की सरकार को भंग किया जाना संविधान सम्मत होगा संवैधानिक होगा एक सिफारिश दूसरा जो रिकमेंडेशन किया गया सरकारी आयोग के द्वारा वो देखें सेकेंड है कि राज्य की विधानसभा को पहले निलंबित रखा जाए और भंग न किया जाए क्या ये भंग करना डिजॉल्व करना और सस्पेंशन में क्या बेसिक डिफरेंस है वॉट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन डिजोल्यूशन ऑफ असेंबली तो यह सरकारी आयोग ने कहा कि आर्टिकल 356 को लागू किया जाए किसी राज्य में तो पहले विधानसभा को सस्पेंड किया जाए 356 लागू होते हैं विधानसभा कोई उस पर निर्णय नहीं कर सकती और भंग और बर्खास्तगी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है विधानसभा को भंग तब तक न किया जाए निलंबन और भंग दोनों एक साथ नहीं हो सकता डिजॉल्व तब तक न किया जाए जब तक कि संसद के द्वारा साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया जाए अर्थात दो महीने के भीतर यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर देते हैं तो उस राज्य के विधानमंडल को भंग किया जा सकता है वरना पहले आप उस विधानसभा को निलंबित करिए और संसद के द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात ही उस विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए दो हो गया थर्ड जो रिकमेंडेशन थी आप स्लाइड पर देखें कि केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश यह स्वाभाविक है भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 पचपन में मैंने बताया थ्री फिफ्टी फाइव में मैंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि किस रूप में कार्य करना है प्रशासनिक निर्देश दे सकती है और किन किन मामलों में प्रशासनिक निर्देश दे सकती है मैंने आपको बताया अभी कि रेलवे का विस्तार होना ट्रैक रेलवे लाइन बिछन बिछानी है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है तो ये दिशा निर्देश पहले दिया जाना चाहिए अगर उस दिशा निर्देश को पालन नहीं कर रही राज्य सरकार कर रही नहीं हम हाईवे नहीं जाने देंगे हम रेलवे ट्रैक विस्तार नहीं होने देंगे ये मेरा व्यक्तिगत मामला है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की सरकार को भंग किया जाना राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक होगा संविधान सम्मत होगा तो मुझे लगता है कि छात्र ये संविधान के आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के ग्राउंड को जान गए होंगे दुरुपयोग और इसके अब आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स किन परिस्थितियों में लागू किया जाए इससे संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण वाद ई बनाम भारत संघ एआईआर 1994 सुप्रीम कोर्ट के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आता है, है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य की सरकार को भंग किया जाना उसकी संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तो इसका उत्तर सकारात्मक है उसका उत्तर है हाँ राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की सरकार को भंग किए जाने की औचित्य या अनौचित्य का लीगैलिटी या लीगैलिटी का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है यह संबंधित मामला आप देखें यस आर बोमई की केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया इसको विस्तार से देखेंगे आप स्लाइड पर देखें मैंने इसको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है और एस आर बोमई से संबंधित अगर कोई भी मामला आएगा पहली बार आप इसमें देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने 94 में कहा कि जो आर्टिकल 356 है जो राष्ट्रपति के द्वारा इम्पोज की जा रही है दैट कैन आल्सो बी रिव्यूड एंड जुडिशियल रिव्यू इज परमिटेड उसका न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो सकता है रिव्यू किया जा सकता है कि किन आधारों पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य की सरकार को भंग किया गया है अभी देखें एक एक करके कंपोनेंट में आपको इसमें दिखाऊं। यशार बोमई स्लाइड पर आप देखें सभी छात्र एस आर बोमई बनाम भारत संघ मैंने इसको लिखा है इसलिए इंग्लिश में लिखा है कि कभी हिंदी में उसको लिखने में थोड़ी सी स्पेलिंग या मात्रा का इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया है एस आर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एस आर बोमई बनाम भारत संघ एआईआर नाइनटीन नाइन्टी सुप्रीम कोर्ट नौ न्यायाधीशों के द्वारा डिसाइड किया गया इस मामले को अब आर्टिकल सेवेंटी फोर के अधीन मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है इसका रिव्यू तो नहीं हो सकता अभी उसको भी डिटेल बताएंगे क्यों नहीं हो सकता परंतु किस आधार पर सलाह दी गई है ग्राउंड जो है दैट ग्राउंड कैन बी टेस्टेड दैट ग्राउंड कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट तीसरा है थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन के बिना लागू नहीं किया जा सकता ये भी है राज्यपाल का जो इन राइटिंग रिपोर्ट होनी चाहिए और फोर्थ इम्पॉर्टेंट चिंग पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि धर्मनिरपक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर है इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विथ सेक्यूलरिज्म और गवर्नमेंट पर्टिकुलर जो स्टेट है राज्य की सरकार यदि धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध कार्य कर रही है तो वहां पर आर्टिकल थ्री लागू किया जा सकता है पांचवी बात जो इस केस में महत्वपूर्ण माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि यदि आर्टिकल थ्री का प्रयोग राजनीतिक दुर्भावना से लागू किया जाता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स को इम्पोज लागू करना तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट असेंबली को रिवाइव कर सकती है पुनर्जीवित कर सकती है विधानसभा का निलंबन और भंग दोनों एक साथ नहीं हो सकता मैंने उसमें लिखा हुआ है सस्पेंशन एंड रिजोल्यूशन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है अब इस आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स को दूसरे स्लाइड में आप देखें आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स और एसआरबमई केस में क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि किसी राजनीतिक दल का भारी बहुमत से जीतना और केंद्र में पदासीन होना विपक्षी दल की राज्य सरकार को तीन के अधीन हटाने का आधार नहीं हो सकता है माना जैसा 1977 की सेवन की ना न हो पुनरावृत्ति न हो और वर्ष 1980 की पुनरावृत्ति न हो इसको रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय किया गया कि केंद्र में किसी सरकार का दो तिहाई बहुमत से पदासीन होना इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि वह उस राज्य में जिस राज्य में उसकी आ, सरकार नहीं है राजनीतिक मतभिन्नता है उस राज्य की सरकार को वह बर्खास्त कर दें कि उस राज्य में उनका कोई सांसद निर्वाचित होकर के नहीं आया ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड माना जाएगा एक बात यह क्लियर हो गई दूसरा है कि यदि आर्टिकल थ्री का प्रयोग दुर्भावना से किया गया है तो उच्चतम न्यायालय राज्य की विधानसभा को रिव्यू करके पुनर्जीवित कर सकती है यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कहा गया विपक्षी राज्य सरकारों को एक साथ प्रदूषित तो नहीं किया जा सकता ये तीसरा इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है यह सर बम्बई का केस आर्टिकल 356 पर उसी प्रकार है जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि एक मिरर आईना दिखाने का कार्य किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल थ्री को कि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स को लागू करते समय पहले एस आर बोमई की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लागू किया जाए अन्यथा राज्य की विधानसभा को पुनर्जीवित किया जा सकता है रिव्यू किया जा सकता है यहाँ तक माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस आर बोमई की केस में कह दिया गया अब इसको आगे देखेंगे कहाँ 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 ऐसे हुआ है लेकिन एक वाक्य जो इसमें प्राय यूज किया जाता है मैं आप उसको बताने का प्रयास करूँगा कि के केस में देखें उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों के बहुमत के द्वारा यह यह निर्णय किया गया कि कि पहला तो यह हुआ राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है चूंकि स्वयं आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि जब भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा समाधान हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती तो राज्य की और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार को भंग किया जाना समीचीन होगा विधिपूर्ण होगा अब मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति आर्टिकल 356 फिफ्टी इंपोज कर सकता है यह एक प्रकार से विशेष संवैधानिक संरक्षण संविधान के आर्टिकल 74 उपखंड दो में दिया गया है आप जैसा सभी छात्र जानते होंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 फोर क्लास वन में लिखा हुआ लिखा हुआ है कि देयर सेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्र की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श पे राष्ट्रपति कार्य करेगा और उसमें लिखा हुआ है क्या कि एंड प्रेसिडेंट शाइल्ड परफॉर्म हिज ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह और परामर्श के आधार पर कार्य करेगा यह संविधान की आर्टिकल सेवेंटी में जो मंत्रिपरिषद शब्दावली का उल्लेख किया गया वहीं पर 74 उपखंड दो में सेवेंटी आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास टू में यह बंद किया गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है क्या एडवाइस दी गई है वह किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता चुनौती नहीं दी जा सकती ये बात यह यह प्रोटेक्शन संरक्षण क्यों दिया गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया गया है यह किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है आप ये कल्पना करें भारत जैसे देश में जहाँ की जो सांस्कृतिक बहुलता है भौगोलिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यदि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दिया है कि हमारे पास प्रणमा पर एटम बम यहाँ रखा हुआ है हमारे पास परमाणु बम की चाबी इनके पास है हमारे पास इतने एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं हम अगर राष्ट्र या किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय आपात उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति ऐसे प्रावधान ऐसे कार्य करेगा तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में भारत की भौगोलिक स्थिति को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर रखा गया वरना जो विपक्ष के लोग हैं वह मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को हर आधार पर जानने का प्रयास करेंगे आर लेंगे अब तो चूंकि सूचना अधिकार अधिनियम दो से आ गया है तो ऐसी स्थिति में यह भी बातें थोड़ी सी लेकिन जिस देश के किसी भी लोकतांत्रिक देश में मंत्रिपरिषद के कुछ गोपनीय सलाह परामर्श को जो राष्ट्रपति को दिया जाता है राष्ट्रहित में नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्र की सुरक्षा के हित में उसके डिस्क्लोजर से उसके उसको डिस्क्लोज करने से विशेष अधिकार छूट दी जानी चाहिए संविधान सम्मत है इस पर सभी की एक राय होगी परंतु आर बोमई केस में उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा जब यह आर बोमई की केस में एक प्ली तर्क दिया गया कि संविधान के आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को दी गई परामर्श का किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू टेस्ट द एडवाइस व्हाट एवर एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ गिवन टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वी आर नॉट गोइंग टू टेस्ट दैट एडवाइस हम उस एडवाइस को उस सलाह को टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि बेसिस क्या है आपने किस आधार पर वो एडवाइस दिया है आपने कुछ भी उनको दिया मतलब वी पीपुल आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो हम ये जानने का प्रयास हम जानने के इच्छुक नहीं है कि आपने उनको क्या सलाह दिया है बट हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किन आधार पर ग्राउंड जो है ये आर टिकल सेवेंटी फोर में उल्लिखित नहीं है किन आधारों पर सलाह दी गई है यह आर्टिकल 74 में संरक्षित नहीं है ध्यान देने की बात है छात्रों को केवल यह लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 फोर क्लास दो में उपखंड दो में कि मंत्रिपरिषद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी गई सलाह परामर्श को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है तो क्या सलाह दी गई है इसको किसी भी आधार पर चलन नहीं किया जा सकता ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम इसको चले नहीं हम इसको नहीं देख रहे हैं ये ठीक है यहां तक आपका प्रिवलेज है अधिकार है लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो परामर्श दी गई है वह किसी न किसी बेस पर होना चाहिए किसी न किसी आधार पर ग्राउंड पर होना चाहिए हम अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो हमारा जो निर्णय है वह किसी वा किसी, वा किसी आधार पर किसी बेस पर किसी तथ्य पर आधारित होगा हम उस फैक्ट को जानना चाह रहे हैं कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लागू कर दिया जाए मंत्रिपरिषद ने कहा कि यह राज्य की सरकार संबंधित संबंधित राज्य की सरकार बिहार है या उत्तर प्रदेश है यहाँ की राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है यह ठीक है लिखा है संविधान में इसलिए राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ये भी ठीक है आप कर सकते हैं लेकिन वे ग्राउंड किस आधार पर ही कर रहे हैं क्या कानून व्यवस्था वहाँ विफल हो चुकी है क्या राज्य की सरकार कानून व्यवस्था बनाने में अक्षम है क्या राज्य की सरकार संविधान के विपरीत कार्य कर रही है ये तो टेस्ट किया जा सकता है यह सुप्रीम कोर्ट जान सकती है यह 74 में कहीं नहीं लिखा हुआ है और न यह 74 के प्रोटेक्शन में आता है 74 के एम्बिट में आता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू कर सकती है अब इतनी कितनी बातें कर दी आप ये देखिए कम से कम जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने की जो संभावना थी वो समाप्त हो गई लगभग क्योंकि अगर 356 लागू होगा तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम उसका रिव्यू कर लेंगे और अगर मैलाफाइड इंटेंशन से हुआ है तो हम उस मैलाफाइड इंटेंशन के आधार पर उस राज्य की सरकार को रिवाइव कर देंगे और उसको बहाल कर देंगे कि पुनः एज इट इज़ वह पहले की तरह हो जाए पहले की तरह अपने कार्य को संचालित करें आपने देखा होगा कि एस आर बम्बई बनाम भारत संघ के केस में गाइड एक गाइडलाइंस तो दी गई लेकिन इसका आधार यदि आप देखें कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लागू करने में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कौन सी परिस्थितियाँ थीं जो एस आर बम्बई की केस में उस सुप्रीम कोर्ट को यह पहला अवसर प्राप्त हुआ है ये सारे दिशा निर्देश देने का इसको मैं थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा आप सभी छात्र जानते होंगे कि छः दिसंबर उन्नीस को उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया कई वर्षों से चली आ रही वो विवाद को समाप्त करते हुए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और इस आधार पर कि उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर उन्नीस को जो घटना घटित हुई है राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है राज्यपाल के रिपोर्ट पर भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया विधानसभा को भंग कर दिया न केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भंग किया बल्कि उन सभी राज्यों में हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश जहां पर कि एक दल विशेष के द्वारा शासित प्रदेश सरकारें थीं उन राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया मात्र इस आधार पर कि ऐसी संभावना है कि जिन जिन राज्यों में इस दल की सरकार है हो सकता है वहाँ पर भी ऐसी घटना उत्पन्न हो जाए और कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं इस आधार पर इन राज्य की सरकारों को भी बर्खास्त किया जा सकता है अब उस निर्णय को राष्ट्रपति के उस निर्णय की संवैधानिकता को इस एस आर बुम्बई के मामले एस आर बुम्बई के द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई कि क्या किसी एक राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना अन्य राज्यों में संविधान अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार हो सकता है यदि एक राज्य संविधान के विपरीत कार्य कर रही है तो क्या इस आधार पर अन्य राज्य में राष्ट्र शासन लागू कर दिया जाए राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाए कि उसी राजनीतिक दल के द्वारा शासित राज्य सरकारें हैं इस मामले इस वाद में महत्वपूर्ण विचारणी प्रश्न यही था तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा बहुमत से यह निर्णय किया गया कि एक राज्य में घटित घटना के आधार पर किसी दूसरे राज्य की निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक सरकार को भंग किया जाना यह उचित नहीं ठहराया जा सकता जायज नहीं ठहराया जा सकता और विपक्ष द्वारा दूसरी बात मैंने अभी इसमें बताया है ठीक इसी में, में, में दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि विपक्ष के द्वारा शासित राज्य सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू करना यह कोई संवैधानिक आधार नहीं हो सकता दो बातें क्लियर हो गई तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बोमई केस में कि आर्टिकल सेवेंटी को मैंने अभी डिटेल में बताया कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता लेकिन आधार सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें से अपने पास रख लिया एक लिटमस टेस्ट कहें आप एक वस्तु एक उसमें से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को अपने पास रख लिया कि कुछ भी आप करिए आर्टिकल 74 को हम नहीं कुछ कर रहे हैं संशोधित कर रहे हैं लेकिन मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो परामर्श दी है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन कोजेंट रीज़न वह परामर्श सलाह एक वैध आधार पर आधारित होनी चाहिए यदि लेजिटमेट यदि कोई उसका कोजेंट रीजन नहीं है कोई उसका एडिक्वेट रीज़न नहीं है पर्याप्त अगर कोई आधार नहीं है तो वी पीपुल आर हियर सुप्रीम कोर्ट जो है वह केवल मूक दर्शक नहीं होगी संविधान संरक्षक के रूप में नागरिक अधिकारों के संरक्षक संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करेगी और ऐसे स्टेप को ऐसे निर्णय को प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकती है और किया भी इस केस में जैसा कि आप सभी जानते हैं दूसरा मैंने आपको बताया कि इस एस आर का केस इतना इम्पॉर्टेंट है नाइन्टी के पश्चात अब जब किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है यदि आर्टिकल 356 लागू होता है तो 356 लागू होते समय भारत का राष्ट्रपति यस आर बोमई के गाइडलाइन को देखते हुए ही कोई आगे कदम उठाता है वरना किसी भी राज्य की सरकार को जो जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है भंग किया गया है यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तो उसे छः माह के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है अभी इसको दृष्टांत के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे कि एक केंद्र की सरकार ने राष्ट्रपति को ए पी जे कलाम को एक परामर्श दिया कि बिहार राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दें राष्ट्रपति के उस प्रस्ताव पर कोई अनुमति उस प्रस्ताव को पुनः कैबिनेट के पास भेज दिया मंत्रिपरिषद के पास भेज दिया कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें और राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए उस पुनर्विचार के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने पुनः राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा वो वैसे अगर पुनः विचार के पुनः विचार के लिए भेजती तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं था राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य थे परंतु समाज में गलत मैसेज आता मतदाताओं में गलत मैसेज आता कि केंद्रीय सरकार के द्वारा मंत्रपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति पर दबाव बनाया गया इस कार्य को कराने के लिए इसलिए मंत्रपरिषद ने उस प्रस्ताव को दोबारा उनके पास विचार के लिए रिव्यू के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजा जानते हुए कि इसका मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जब हम पाँच वर्ष के पश्चात निर्वाचन के लिए जाएंगे तो मतदाता विपक्ष के लिए एक अच्छा डिफेंस होगा यह बताने का कि भारत के राष्ट्रपति को भी विवश करते हैं कंपल करती है राजनीतिक दल उनको काम करने के लिए स्लाइड पर आप देखें मैंने यस आर बोमई केस है एस आर बोमई केस के पश्चात की स्थिति क्या है दो दृष्टान हैं दो दृष्टान के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी राज्य की निर्वाचित सरकार को भंग करने का प्रयास केंद्रीय सरकार करती है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करती है यदि कोई वैध उसके आधार नहीं है तो ऐसे प्रस्ताव को न राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के माध्यम से असंवैधानिक घोषित कर सकता है एक घटना घटित हुई वर्ष उन्नीस में आप देखें नाइन्टी में बिहार में एक घटना घटित हुई कि बिहार की सरकार को भंग करते हुए राज्य की सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी गई परंतु आप देखिए लोकसभा में अनुमोदन न होने से वह दो माह के बाद प्रस्ताव अपने आप समाप्त हो गया मैंने जैसा कि आपको बताया कि यह संवैधानिक बाध्यता है भारतीय संविधान निर्माता इस बात से भली बात पहुँच परिचित थे कि कार्यपालिका दुरुपयोग न कर पाए यदि भारत का राष्ट्रपति अपने किसी निर्णय से किसी राज्य की सरकार को भंग करता है तो दो माह के वह यह वह अपने निर्णय का दुरुपयोग अगर संभावना एक परसेंट भी है दुरुपयोग करने की तो वह केवल दो महीने तक ही दुरुपयोग कर सकता है दो महीने के भीतर यदि संसद उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वह प्रस्ताव अपने आप ही गिर जाएगा और राज्य की सरकार दो माह के पश्चात वह अपने आप ही निर्वाचित सरकार पहले की भांति कार्य करने लगेगी अब यह क्यों ऐसा रखा गया आप देखें 1990 के पश्चात जो केंद्र में गठबंधन की सरकार है अलायंस की गवर्नमेंट है किसी भी एक दल को किसी भी एक दल को जल्दी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता था और 28 पार्टियां, 20 पार्टियां, 23 पार्टियां क्षेत्रीय दलों को लेकर के सरकार बनी तो प्रायः उसमें आप देखे होंगे कि क्षेत्रीय दल जो अस्थिर करने का प्रयास करते हैं वह अपनी अपनी मांगों को अ, मंगवाने के लिए वह अपने पोर्टफोलियो में अपने क्षेत्र अपनी पार्टी को ज़्यादा महत्व देने के लिए वह सरकार से समर्थन लेने का बार बार प्रयास करते रहे हैं वर्ष 1990 के पश्चात लोकसभा में जब किसी भी दल की पूर्ण बहुमत नहीं है गठबंधन की सरकार कोलिसन गवर्नमेंट है और एक दल ने चाहा कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के लिए अल्पमत में हुई सरकार को आर्टिकल तीन सौ छप्पन का प्रस्ताव पारित कराना लोकसभा के द्वारा यह असंभव कार्य होगा जैसा कि वर्ष उन्नीस में बिहार में हुआ दूसरा ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है वर्ष नाइनटीन में आप देखें स्लाइड पर 97 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐसा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ जब आर्टिकल 356 राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया और राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं दिए राष्ट्रपति के द्वारा सहमति न होने से आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स उस पर लागू नहीं किया जा सका और ये आप देखें कि मैंने जैसा बताया उच्चतम न्यायालय संविधान संरक्षक है नागरिक अधिकारों का, का संरक्षक है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल तीन सौ छप्पन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद को वापस करना या मंत्रिपरिषद के उस प्रस्ताव को स्वीकार न करना निश्चित रूप के निश्चित रूप से राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में ली गई उस शपथ को संविधान संरक्षण के लिए संविधान के रक्षा के लिए ली गई शपथ का संविधान संरक्षक के रूप में और महत्वपूर्ण बना देती है दो ऐसे दृष्टांत हैं इन दो दृष्टांतों के माध्यम से यदि कभी साक्षात्कार में इंटरव्यू में आपसे यदि पूछा जाए कि दो ऐसे कौन से दृष्टांत हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संविधान संरक्षक के रूप में कार्य किया है तो आप इस संविधान अंतर ये दो घटनाएं जो 97 और 99 की घटनाएं हैं आप कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संविधान संरक्षक के रूप में कार्य किया है क्यों क्योंकि संविधान संरक्षण का वह शपथ भारत का राष्ट्रपति लेता है तो इसलिए हम भारत के राष्ट्रपति को मात्र रबर स्टाम्प नहीं करते जैसा कि आलोचना जैसा कि प्राय ऐसे आलोचना की जाती है कि भारत का राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद के, के सलाह मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर केवल सिग्नेचर करने के लिए होता है ऐसा कदापि नहीं है यह संविधान के अंतर्गत सैद्धांतिक पक्ष को भी देखें व्यवहारिक पक्ष को भी देखें तो व्यवहार में भी भारत में ऐसा हुआ है ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं कि जो मंत्रिपरिषद के हर परामर्श को जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित रहा है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं रहे हैं और प्रस्ताव को वापस भेजे हैं तो दो ऐसी घटनाएं हैं जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया आप इसको इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संविधान संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत किया है तो मुझे लगता है कि अब यदि हम इसको संक्षेप में आर्टिकल थ्री को अगर रिकैप करें थ्री में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या करें तो आप ये जाने कि संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की सरकार को भंग कब किया जा सकता है जब राज्य में जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है कौन रिपोर्ट देगा राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट देगा या मंत्रिपरिषद ऐसी रिपोर्ट देती है राष्ट्रपति को तो ऐसा हो सकता है ऐसा किया जा सकता है कितने दिन के लिए हो सकता है दो महीने के लिए प्रस्ताव हो सकता है दो महीने के भीतर यदि लोकसभा यदि संसद इसका अनुमोदन न करे तो यह अपने आप ही गिर जाएगा और राज्य की सरकार पुनर्जीवित हो जाएगी पहले की भांत कार्य करेगी यदि दो माह के भीतर प्रस्ताव पारित हो जाता है अनुमोदन कर दिया जाता है तो उस राज्य की सरकार को वह आर्टिकल तीन सौ छप्पन छः माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है पुनः छः माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है कुल मिलाकर के एक वर्ष होगा एक वर्ष से आगे यह बढ़ाने के लिए तभी बढ़ सकती है जब निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर दे और उस राज्य में राष्ट्र प्रशासन पहले से ही जारी हो तो पुनः इसको छः छः माह करके हम अधिकतम तीन वर्ष तक किसी भी राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं निलंब किसी स्टेट गवर्नमेंट को हम आर्टिकल तीन सौ छप्पन के माध्यम से शासित कर सकते हैं थ्री फिफ्टी सिक्स लागू कर सकते हैं लेकिन तीन वर्ष के भीतर किसी भी केस में उस राज्य में निर्वाचन कराया जाना संवैधानिक रूप से अपेक्षित है यह चौवालीसवें संविधान संशोधन नाइन्टीन से स्थापित हो चुका है अब इसके पश्चात यदि आप देखें मैंने दुरुपयोग की बात बताई कब इसका दुरुपयोग किया गया 1977 1980 में अब उसके पश्चात 1997 1999 सबसे महत्वपूर्ण इस पर सरकारी आयोग की सिफारिश है उसी सरकारी आयोग की सिफारिश जो उन्नीस में 1987 में सरकारी आयोग ने आर्टिकल तीन लागू होने के लिए तीन कब लागू किया जाए अंतिम विकल्प होना चाहिए राष्ट्रपति के पास केंद्र के पास अंतिम विकल्प पहले उसके पहले क्या कि केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना चाहिए निर्देश की अवहेलना करता है तो तभी आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू किया जाना चाहिए इसी सरकारी आयोग की सिफारिश 1987 में जो सिफारिश की गई उसी रिकमेंडेशन को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा देखें कुछ उसमें और संशोधन करके बढ़ा दिया गया एस आर बोमई बनाम भारत संघ की केस में एस आर बोमई की जो केस है उसमें पहली बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल तीन के अंतर्गत किसी भी राज्य की सरकार को भंग किया जाना न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है पहली बार ये क्लियर हो गया कि अगर दुर्भावना राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसका टेस्ट कर सकती है और राज्य की सरकार को पुनर्जीवित कर सकती है पुनर्जीवित करने का मतलब आप ये समझें कि उस राज्य की सरकार को उस स्थिति में ला देना यदि वह उस स्थिति में होती जब उसको भंग न किया गया होता तो होती तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक एक और आगे कदम जा कर के कर दिया जिसको कहा जाता है कि ये जुडिशियल ओवर है कभी कभी कहा जाता है कि न्यायपालिका बहुत आगे जा कर के कार्य कर दी है लेकिन आप ये कल्पना करें कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐसा निर्णय न दिया गया होता तो निश्चित रूप से आर्टिकल तीन सौ छप्पन का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है यह कभी अंतहीन एक प्रक्रिया थी यह कभी भी कोई भी इसका दुरुपयोग कर सकता है तो भी एक स्थिति बन गई है कि अगर विपक्ष से शासित कोई प्रदेश है वहाँ पे 356 लागू होता है तो वह राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसकी लीगैलिटी को उसकी संवैधानिकता को चुनौती दे सकती है और यदि सही आधार नहीं पाए गए तो सुप्रीम कोर्ट उस राज्य की सरकार को बहाल कर सकता है जिसको बोलते हैं हिंदी में या रिव्यू रिवाइव कर, कर सकता है पुनर्जीवित कर सकता है तो एस आर मुंबई की सभी गाइडलाइंस को ये आप अपेक्षित सभी से अपेक्षित सभी छात्रों से अपेक्षित है कि आप उसको याद करें अध्ययन करें और निश्चित रूप से यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल तीन सौ छप्पन थ्री फिफ्टी सिक्स से लेकर के उसके उपयोग सदुपयोग उसके आधार को लेकर के कितनी बार ये लागू हुआ पहली पहले किस सर्वप्रथम सर किस राज्य में पंजाब में लागू लागू किया गया अभी तक कितने बार देख लें आप पचहत्तर वर्षों में ये सौ से ज़्यादा सौ सवा सौ से ज़्यादा ये ऐसा प्रावधान कई बार इसको लागू किया गया कई कई स्टेट तो ऐसे हैं जिन राज्यों में आर्टिकल तीन सौ छप्पन का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है सर्वाधिक बार लागू हुआ है ऐसे भी प्रश्न आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स से आते हैं तो मैंने आपको तीन सौ छप्पन से संबंधित जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान है उसके सभी सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को बताया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस आर बोमई के केस में दिए गए दिशा निर्देश सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन सिफारिशें को बताने का प्रयास किया और इस निश्चित विश्वास के साथ कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको आएंगे आप राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्नों को सुचारू रूप से कर पाएंगे मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस अपने व्याख्यान को विराम देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें पूरी पूरे व्याख्यान समझ में आया होगा इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद थैंक यू